नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। यूं तो हमारे देश में सेना के जवानों का बहुत महत्व है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तो सेना के नाम पर आज उच्च पदों पर हैं, लेकिन उसी सेना को बदनाम करने वाले लोग भी इस देश में हैं। जी हाँ, सेना के एक ऐसे जवान का मामला सामने आया है जो दुष्कर्म का आरोपी निकला। खबर रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से है, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी सेना का जवान निकला है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि रिश्तेदार की युवती से संपर्क होने के बाद दुष्कर्म किया था और शादी का झांसा दे रहा था। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के नाम और पैसे का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो आरोपी स्वरूपानंद द्विवेदी अतरैला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आइए सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या जानकारी दी है। एक महिला जो है उसने महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि 2019 में एक उसके परिवार के रिश्ते में बहनोई लगता है, जिससे उनका संबंध था और वो प्रेम संबंध में उनने शादी करने का आश्वासन दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और लगातार बीच बीच में बनाते रहे, और 2021 के बाद वो उनसे शादी के जो वादे को तोड़ दिया और शादी करने के जब भी अवसर उनको मिला, शादी की बात हुई, तो वो उससे पीछे हटने लगे और आना जाना बंद कर दिया। महिला ने काफ़ी प्रयास किया और संपर्क नहीं हुआ तो पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने जो है उस आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है कल और उसकी विवेचना जारी है। सर, आरोपी का नाम क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वो देवथर क्षेत्र का रहने वाला है, अभी आपको बताना उचित नहीं है और जिससे कि वो फरार हो जाए, क्योंकि हमें ये उसको अभी रक्षा में लेना है। जैसे ही अपग्रेड होगा तो मैं आपको अलग से प्रत्यक्ष से बताऊंगा। सर, एयरफोर्स का जवान बताया जा रहा है, इसकी सूचना मैं आपको प्रत्यक्ष से दूंगा।